अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू अर्निंग टेक्निक्स। आज इस वीडियो में आपको साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप किस तरह स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करके विदाउट एनी लॉस आप किस तरह ट्रेडिंग करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या हिसाब किताब होगा, सारा कुछ समझाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, सर्च कॉइन पेयर, यहाँ पर हम BUSD लिखेंगे, यहाँ पर हम साथ स्लैश डालेंगे और यहाँ पे USDT। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्यों ऑन की है। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास $1000 हैं और आप कहते हैं कि आपको अर्निंग हो विदाउट एनी लॉस विदाउट एनी रिस्क, फाइनेंस पे आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसका हाल इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप, बहुत सिंपल बात है, USDT एंड BUSD मोस्ट स्टेबल कॉइन्स में आ जाते हैं क्योंकि इनकी प्राइस $1 ही रहती है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। ठीक है, यहाँ पर अभी इनकी आप प्राइस देख रहे हैं रिसेंटली। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली जब हमें ये कॉइन थोड़ा लॉस में जाता हुआ नज़र आएगा, जैसे हमें यहाँ पर एक बार नज़र आया 0.9888 तक गया, यहाँ पर एक बार 0.9883 तक गया, 0.9700 तक गया, 0.9914 तक गया। तो जब इस तरह किसी लॉस में मार्केट जाएगी, जब ये स्टेबल कॉइन थोड़ा लॉस में जाएंगे, इनको हम फौरन बाय कर लेंगे। फर्स्ट करें हम $1000 लगा देते हैं, जब ये मार्केट गई थी 0.97 पर, हम बाय के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर हम प्राइस लगाते हैं कि फर्स्ट करें यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो 0.97 पर है। ठीक है, और यहाँ पर हम BUSD हमारे पास फर्ज करें $1000 है, यहाँ पर हम 970 जो कॉइन्स हैं, जो हमें कॉइन्स हैं पॉइंट्स मिल जाएंगे जब हम इनको सेल करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम 970 पे क्लिक करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर हम जब 970 पे क्लिक करेंगे, सॉरी एक मिनट, तो पंजी, तो यहाँ पर जो हम अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हमने लिखा है $1000 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राइस जो है वो 97 है और यहाँ पे हमारे पास $1000 जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, हम विदाउट एनी लॉस काम करेंगे, सेल पर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1030 कॉइन्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें सीधा सीधा $30 का फ़ायदा हो जाएगा विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि इन्होंने स्टेबल होना ही होना है, इनकी मजबूरी है, ये $1 पर ही रहते हैं, 1.0001, 1.002, यही 1 की रेंज होती है इनकी, कभी कहीं ये लॉस पर चले जाते हैं, आप इनको बाय कर लेना है विदाउट एनी लॉस, आप प्रॉफिट उठाएंगे और विदाउट एनी रिस्क आप फाइनेंस पर काम करेंगे और इससे अच्छी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस मिलेंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।